और बड़ी खबर सीधे भिंड से, जहां भिंड के गोहद विधानसभा के मालनपुर थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल मनीष पचौरी को लोकायुक्त की टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। सूचना लिखे जाने तक कार्रवाई जारी है। भिंड से पीयूष बिरथरिया की रिपोर्ट। जी सर, नाम क्या है अपना? राघवेंद्र ऋषिश्वर, निरीक्षक लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर। क्या कार्रवाई की? कल 17/5/22 को फरियादी विशाल सिंह जाटव हमारे पास आया और उसने एक कंप्लेंट की थी कि मालनपुर थाने का प्रधान आरक्षक मनीष पचौरी हमसे कमल नागर वाले केस में हमारा नाम हटाने के लिए या जोड़ने के लिए 20,000 रुपये की मांग कर रहा है। इसके एवज में हमने इसको वॉइस रिकॉर्डर दिया और उसकी आवाज़ टेप कराई। उसके बाद हमने इसके खिलाफ FIR की, अपराध क्रमांक 0/22 धारा 7 PCF की FIR दर्ज की। आज उसको ट्रेन की कार्रवाई की जिसमें वो 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। इसके साथ में सहयोगी और कोई है? इसके साथ में अभी जो है ना विवेचना होगी, सहयोग में होगा तो वो आएगा। नहीं, अभी उसने क्या नाम है उसने लगेगा? फरियादी विकास ने बताया है कि उसने कट्टा लगा दिया BRP हमारे साथ में 3 दिन से हमको प्रेशर कर रहा था, हमें घसन चला गया और कट्टा भी लगा दिया, रिवाल्वर लगाई थी हमारे। तो क्या दूसरे फरियादी एक लड़का और है पुलिस में, उसका भी नाम आया इसमें? अगर कट्टा वट्टा लगाने वाली बात है तो उसकी FIR थाना मालनपुर में होगी, वो हमारे यहाँ नहीं। इस षड्यंत्र में इसमें है क्या सम्मिलित? षड्यंत्र अभी तक हमारी विवेचना में नहीं आया है। तो अभी कार्रवाई जारी है सर? अभी कार्रवाई जारी है। के पीछे लेनदेन सर, लेनदेन आज से सर 4 दिन पहले एक आरोपी पकड़ा गया कमलनाथ। कौन? कमलनाथ। तो वो मेरी दुकान पे आया, उसने गन्ने का जूस पिया। गन्ने का जूस पीने के बाद उसने बोला भैया मुझे कुया तक छोड़ दो। तो मैंने मानवता के तौर पे मैंने अपनी बैग पल्सर पे बिठा ला और कुया पे छोड़ दिया। वहीं से कमलनागर के बीच में फील्डिंग लगी, भगवान जाने कैसे लगी, कहाँ से लगी, मुझे इस चीज़ में कोई जानकारी नहीं। लेकिन बीच में ही जब मनीष पचौरी और आशीष शुक्ला के द्वारा पकड़ा गया तो इन्होंने नाइट में बोला कि आप निकल जाओ और मैन आरोपी है, इसको हम ले जाएंगे साथ में। उसके बाद सुबह ये मॉर्निंग में मेरे घर पहुँचे एक मनीष पचौरी और एक लड़का और था, शायद DPS नाम है, दीपन नाम है, मेरे को याद नहीं। तो इन दोनों के द्वारा बोला गया कि आपको TI साहब बुला रहे हैं, आप थाने में आ जाओ। मैंने पूछा भाई साहब कारण, तो वो तो TI साहब ही बताएंगे, आप आ जाओ। उसके बाद फिर इन्होंने शाम को मुझसे मुलाकात की, इन्होंने मुझसे बोला कि आपको 307 में आरोपी बनाया जाएगा और आप 20,000 रुपये हमको नकद दो, अगर 20,000 रुपये नहीं दोगे तो आप 1 साल जेल रहोगे, 1,00,000 रुपये वहाँ कोर्ट में खर्च करोगे और 1,00,000 रुपये फिर हमको देना पड़ेंगे और आप जेल जाओगे। कौन उस कारण 3 दिन से मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बना रहे थे कि मुझे रिश्वत दी। कितना पैसा दिया तुमने आज? 20,000 आज दी है? हाँ सर, 20,000 रुपये आज दिए हैं। और सर पहले भी ये लोग खर्च कराते रहे। कार्रवाई करने के लिए कोई ध्वज दी ना? इन्होंने कहा था भाई कट्टा लगाया मेरी पिस्टल, पचौरी जी ने पिस्टल लगाई मेरे साथ। पिस्टल लगाने के बाद पचौरी और आशीष शुक्ला ने कट्टा लगाया और आशीष शुक्ला ने बोला कि अगर तू पैसा नहीं देगा तो 307 का तेरे ऊपर हम आरोप लगवाएंगे और तू आरोपी बन के चल जाएगा।